आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कानपुर में हुई हिंसा की घटना पर हमला बोला। निरहुआ का कहना है कि समाज के हर तरह के लोग होते हैं जो उपद्रव करके माहौल खराब करना चाहते हैं, पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों की दवा अच्छे से होगी और यह लोग अपने पूरे जीवन काल में ऐसा काम नहीं करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर भवरनाथ मंदिर पहुंचकर दिनेश लाल यादव ने पूजन अर्चन कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लंबे जीवन की कामना करते हुए कहा कि बाबा भवरनाथ से यही मांगने आया हूं कि सदा मुख्यमंत्री जी को स्वस्थ रखें, हम सभी उनके सिपाही बाबा के साथ खड़े हैं। निरहुआ ने बताया कि जब भी जिले के दौरे पर आता हूँ बाबा भवरनाथ का दर्शन जरूर करता हूँ। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ से भक्त जो भी मुराद मांगते हैं भगवान अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का कहना है कि यूपी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आज पूरा भारत यूपी की तरफ देख रहा है कि काश हमारे राज्य में योगी जी जैसा मुख्यमंत्री होता। इस बार जिले की जनता ने भाजपा के साथ आने का भरोसा दिलाया है, जिससे यह जिला भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके।